अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ नेचुरल मीडिया। नेचुरल मीडिया की लास्ट लेक्चर में हमने दो टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की थी। पहली टाइप जो थी वो थी बीफ ब्रोथ, और दूसरी जो टाइप थी डेट वॉज न्यूट्रिएंट एगर। आज हम डिस्कस करेंगे एनरिच्ड मीडिया क्या होता है। एनरिच्ड का मतलब होता है, रिच का मतलब होता है अमीर, भरा हुआ, फुलफिल हुआ हुआ। तो एनरिच्ड मीडिया का मतलब होता है ऐसा मीडिया या एक ऐसा इलाका या एक ऐसी जगह जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिल हुई हुई होती हैं, यानी एक ऐसा मीडिया जिसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हुई होती हैं, और ये इतने सारे न्यूट्रिएंट्स और इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी होती हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रो के लिए आपने एक्सेसिव मिकदार के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने मीडिया के अंदर ऐड की हुई होती हैं। ऐसा मीडिया जो कि न्यूट्रिएंट से फुल होता है, ऐसा मीडिया जो कि खुराक से फुल होता है, उस तरह के मीडिया को आप कहते हैं एनरिच्ड मीडिया। अब जो एनरिच्ड मीडिया है आपका, वो दो टाइप का होता है। एक होता है ब्लड एगर मीडिया और दूसरा होता है चॉकलेट एगर मीडिया। अब सबसे पहली बात ये कि आप एनरिच्ड मीडिया जो है वो आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं। एनरिच्ड मीडिया जो है उनको आप इस्तेमाल करते हैं फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रोथ कराने के लिए। फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या होते हैं? फास्टिडियस बैक्टीरिया आपके ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत नाजुक होते हैं, जो बहुत स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एनरिच्ड मीडिया के अंदर आप जो है कुछ ख़ास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि मुझे स्ट्रेप्टोकोक्साई बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है, तो मैं ना तो बीफ ब्रोथ इस्तेमाल कर सकती हूँ, ना ही मैं न्यूट्रिएंट एगर मीडिया इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे एनरिच्ड मीडिया ही इस्तेमाल करना है। एनरिच्ड मीडिया क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि आपका जो स्ट्रेप्टोकोक्साई बैक्टीरिया है वो एक स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया है। आपने एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया को जब ग्रो कराना होता है, तो आपने उस ख़ास किस्म के बैक्टीरिया की ज़िंदगी के मुताबिक, उस ख़ास किस्म के बैक्टीरिया की ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें जो है उसको प्रोवाइड करनी होती हैं। लिहाजा यानी आप कह सकते हैं कि आपने एक ऐसा दस्तरखान लगाना है जिस पे जो आपका मेहमान जो आ रहा है, जो बैक्टीरिया है, उसकी पसंद की, उसकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए। तो इस तरह का दस्तरखान है, या इस तरह का जो मीडिया आप बनाएंगे बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए, उस मीडिया को आप कहेंगे एनरिच्ड मीडिया। ठीक है जी। तो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फास्टिडियस बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो नाजुक होते हैं, या वो बैक्टीरिया जो बहुत स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए जो आप मीडिया यूज़ करते हैं उसको आप कहते हैं एनरिच्ड मीडिया। अब एनरिच्ड मीडिया जो है वो दो तरह का होता है, इससे ज़्यादा भी होते हैं, टाइप्स होती हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर वो मेंशन नहीं है, लिहाजा हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपकी बुक के अंदर जो दो टाइप्स मेंशन हैं वो है, एक है ब्लड एगर मीडिया। इसका नाम बता रहा है कि इस मीडिया के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है एनरिच्ड मीडिया, यानी ऐसा मीडिया जिसके अंदर आपने बहुत सारी इजाफी चीज़ें जो हैं वो ऐड की हुई होती हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ब्लड एगर मीडिया और दूसरा होता है चॉकलेट एगर मीडिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड एगर मीडिया की। जैसे कि नाम बता रहा है कि इसके अंदर आपने सबसे पहले तो आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम प्रिकॉशंस जो आपने पूरी करनी होती है, यानी हाथ धोने हैं, ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है, ये तमाम चीज़ें हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वो तमाम प्रिकॉशंस करने के बाद आपको क्या चाहिए? एक स्टराइल आपको चाहिए पैट्री डिश। ठीक है जी। इस पैट्री डिश के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है? इस पैट्री डिश के अंदर आपने क्या बनाना है? आपने इस पैट्री डिश के अंदर बैक्टीरिया के रहने के लिए एक मुकम्मल सिस्टम तैयार करना है। आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए, आपको नाम बता रहा है कि आपने इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है। आपने इसके अंदर ब्लड ऐड करना है। ठीक है। ब्लड क्यों ऐड करना है? ब्लड इसलिए ऐड करना है क्योंकि आपका जो ब्लड है वो इट सेल्फ एक मुकम्मल आप कह सकते हैं वे ऑफ सोर्स ऑफ फूड है। यानी जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आपकी बीमारी पैदा करता है, आपकी बॉडी में जाकर मल्टीप्लिकेट करता है, तो वो क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहा होता है? वही वो आपका ब्लड इस्तेमाल कर रहा होता है।
आपका ब्लड के अंदर एक पूरी दुनिया आबाद है। आपके ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, हीमोग्लोबिन है, वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स की फिर पांच पांच किस्में हैं। फिर आपके पास प्लेटलेट शामिल हैं। आपके ब्लड के अंदर सॉल्ट शामिल हैं। आपके ब्लड के अंदर बहुत सारे विटामिन मौजूद हैं। आपके ब्लड के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हॉर्मोन्स मौजूद हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद हैं। आपके ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड्स यानी प्रोटीन्स मौजूद हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि आपका जो ब्लड है वो सबसे बेहतरीन मीडियम है जिसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इजीली ग्रो कर सकता है, और आपको बाहर से कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया है, हमने एक बना बनाया ब्लड जो है ऑलरेडी, क्योंकि उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। हमने सिर्फ ब्लड उठाया, किसी भी जानदार का ब्लड उठा सकते हैं, किसी भी जानवर का हो सकता है, किसी भी परिंदे का हो सकता है, किसी भी ह्यूमन का हो सकता है। वो ब्लड आप लेंगे और उसको आप पैट्री डिश के अंदर जो है वो आप ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ब्लड ऐड करने के बाद आपको इसके अंदर ऐड करना है एगर। एगर क्यों ऐड करना है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया है कि क्योंकि ब्लड जो है वो एक लिक्विड है। अगर आप पैटी डिश के अंदर लिक्विड ऐड करेंगे तो लिक्विड के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर थोड़ा सा एगर ऐड कर देंगे। एगर बेसिकली क्या होता है, ये एक जेल लाइक मटेरियल होता है जो कि किसी भी लिक्विड को जेल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सिर्फ एगर को ऐड करने का मकसद ये है कि आपका ब्लड जो है वो पानी की शक्ल का ना रहे, वो लिक्विड शक्ल में ना रहे, बल्कि वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड हो जाए और वो थोड़ा सा जम जाए, ताकि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो आप उसके ऊपर ऑब्जर्व करें, माइक्रोस्कोप में आप देखें तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेबल नजर आए, वो हिलते हुए नजर ना आए, ताकि आपको काउंटिंग करने में जो है वो ज्यादा मसला ना हो, ठीक है जी। अब सिर्फ आपने ये दो चीजें ऐड करनी है और आपका मीडियम बन जाना है। अब आपने पहली चीज़ क्या ऐड की, आपने ब्लड ऐड किया। ब्लड ऐड करने के बाद आपने थोड़ा सा एगर ऐड कर दिया। एगर ऐड करने के बाद आपका मीडियम जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी आपका जो एनवायरनमेंट है वो कंप्लीट हो गया। अब ये एनवायरनमेंट किसी भी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को जो है वो ग्रो करवा सकता है। लेकिन क्योंकि ये एनरिच्ड मीडिया है, ये मीडिया जो है आप इस्तेमाल करेंगे कि कौन से बैक्टीरिया के लिए, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी लिखवाया था कि इस तरह का जो मीडिया होता है वो स्ट्रेप्टोकोक्साई बैक्टीरिया के लिए नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोक्साई बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये आपके ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आप में थ्रॉट इन्फेक्शन यानी गले का इन्फेक्शन काज करते हैं। उसके अलावा ये बैक्टीरिया आप में स्कारलेट फीवर भी काज करते हैं। स्कारलेट फीवर क्या होता है, ये एक आपका हाई टेम्परेचर, स्कारलेट फीवर ऐसा फीवर होता है, ऐसा बुखार होता है जिसमें ना सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ना सिर्फ बॉडी में बुखार पैदा होता है, बल्कि साथ साथ आपके गले में भी जो है शदीद किस्म का जो है वो पेन होता है। तो आपको चाहे थ्रॉट इन्फेक्शन हो या स्कारलेट फीवर हो, वो स्ट्रेप्टोकोक्साई बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, की वजह से ही होता है। लिहाजा अगर आप स्ट्रेप्टोकोक्साई बैक्टीरिया को ग्रो कराना चाहते हैं तो आपको ब्लड एगर मीडियम चाहिए होगा। इस मीडियम के अलावा आप अगर इसको बीफ ब्रोथ के ऊपर ग्रो कराएं या सिंपल एगर मीडियम के ऊपर ग्रो करवाएं तो ये वहाँ पे ग्रो नहीं करता, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोक्साई बैक्टीरिया को हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो कि इसको ब्लड से ही मिल सकते हैं। इसको हाई अमाउंट में जो है वो विटामिन चाहिए, हॉर्मोन्स चाहिए, सॉल्ट्स चाहिए, इनऑर्गेनिक आइंस चाहिए। लिहाजा इसको ग्रो कराने के लिए आपके मीडियम के अंदर ब्लड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपके जो मुख्तलिफ स्टेफलोकोक्साई बैक्टीरिया हो या आपके और डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हो, उसके लिए आप और मुख्तलिफ टाइप्स के मीडिया इस्तेमाल करते हैं। मीडिया सिर्फ वही नहीं है जो कि आपकी किताब के अंदर एंटर जो दिए हुए हैं, आपकी किताब के अंदर बहुत थोड़े से मिकदार में मीडियाज दिए हुए हैं। इसके अलावा हंड्रेड ऑफ मीडियाज़ होते हैं, मुख्तलिफ सैकड़ों टाइप्स के मीडिया होते हैं। हर टाइप का मीडिया जो है वो एक ख़ास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो कि आपकी किताब का हिस्सा है, ठीक है जी। तो आपने ये याद रखना है कि अगर आपने स्ट्रेप्टोकोक्साई बैक्टीरिया को ग्रो कराना है तो आपको ब्लड एगर मीडिया चाहिए, और इसके लिए सिर्फ आपको दो चीज़ें चाहिए, आपको ब्लड चाहिए, एगर चाहिए, दैट्स इट। इसके बाद आपने क्या करना है, जब ये मीडिया थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, जब ये जेल लाइक शक्ल में आ जाएगा, उसके बाद आपने स्ट्रेप्टोकोक्साई बैक्टीरिया लेने हैं। ये स्ट्रेप्टोकोक्साई बैक्टीरिया जो है वो आपको जो माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स होती हैं वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज़ अवेलेबल होते हैं। आपको ये जो है वो किसी बने बनाए मार्केट से भी मिल जाते हैं, ठीक है, या ये आप जो है किसी माइक्रोबायोलॉजी की लैब से आपके पास ये सैम्पल्स के तौर पर बैक्टीरियाज़ मौजूद होते हैं। आप क्या करेंगे,
उन स्ट्रेप्टोकोक्साई बैक्टीरिया को थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से किसी भी कंटेनर में से उठाएंगे और अपने इस मीडिया के ऊपर हल्का हल्का सा जो है आप उसको स्प्रे कर देंगे। बहुत थोड़ी मिकदार में आपने पाउडर उठाना है, बहुत थोड़ी मिकदार में आपने ये स्ट्रेप्टोकोक्साई बैक्टीरिया उठाने हैं और आपने इनको जो है वो स्प्रिंकल कर देना है। स्प्रिंकल करने के बाद आपने इसको जो है माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। सपोज करें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने से आपको 20 माइक्रो ऑर्गेनिज्म या 20 स्ट्रेप्टोकोक्साई बैक्टीरिया नज़र आते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इस मीडिया को क्या करेंगे, इसको आप कवर कर देंगे, लिड जो उसका लिड होता है पेट्री डिश का, लिड इसके ऊपर लगा देंगे। लिड लगाने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है कि आप इसको 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए ऑटोक्लेव कर लें, या आपके पास सेकंड जो आसान दूसरा ऑप्शन होता है वो ये होता है कि आप इसको 24 घंटे के लिए एज सच लैब के अंदर छोड़ जाएँ और 24 घंटे के बाद आप आके इसको जो है वो ऑब्ज़र्व करें और माइक्रोस्कोप में देखें कि आपको 20 की जगह आप कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने स्ट्रेप्टोकोक्साई बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं। सपोज करें आप सेकंड ऑप्शन के साथ गए, आपने 24 घंटे के लिए इसको लैब के अंदर छोड़ दिया, 24 घंटे के बाद आपने जब आप आके इसको देखा तो लैब के अंदर ये इस आपकी जो पेट्री डिश है इसके अंदर आपको 20 की जगह 100 स्ट्रेप्टोकोक्साई बैक्टीरिया जो है वो नज़र आएंगे। यानी 24 घंटे के अंदर 20 से ये मल्टीप्लाई होकर काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर बढ़ चुके हैं। सो इस तरह का मीडिया को आप कहेंगे ब्लड एगर मीडिया, जो कि स्पेशलाइज्ड मीडिया है और इसको आप यूज़ करते हैं स्ट्रेप्टोकोक्साई बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है चॉकलेट एगर मीडिया। अब नाम से हमें ये लग रहा है कि चॉकलेट एगर जो मीडिया है इसके अंदर हमने चॉकलेट ऐड करनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। चॉकलेट एगर मीडिया जो है वो ब्लड एगर मीडिया की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। कैसे? अब आपने क्या करना है, आपने सेम वही पेट्री डिश लेनी है, ठीक है जी। उसके अंदर आपने पहले क्या ऐड किया था, ब्लड ऐड किया था, ब्लड ऐड किया और साथ में आपने एगर ऐड कर दिया था। क्यों ऐड किया था? ताकि ब्लड जो है वो सॉलिडिफाई हो जाए, ब्लड जो है वो जम जाए या वो आपका थोड़ा सा स्टेबल शक्ल में आ जाए, जेल शक्ल में आ जाए। उसके बाद जब आपने ब्लड और एगर को मिक्सअप कर लिया, ये वो थोड़ा सा लिक्विड शक्ल की जगह वो थोड़ा सा जेल टाइप फॉर्म में आ गए, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस पैट्री डिश को जो है वो हीट अप करना है, ठीक है। जब आप इसको हीट अप करेंगे तो जब भी आप ब्लड को जलाएं या ब्लड को आग लगाएं या ब्लड को गर्म करें तो ब्लड रेड कलर से कन्वर्ट हो जाता है डार्क ब्राउन कलर में। जितना ज़्यादा आप हीट करेंगे, पहले वो रेड से मरून कलर में कन्वर्ट होगा, आप मज़ीद हीट करेंगे वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर में कन्वर्ट होगा, आप मज़ीद हीट करेंगे तो वो डार्क ब्राउन कलर में या चॉकलेट कलर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि इसके अंदर आपने हीट का प्रोसेस यूज़ नहीं किया था, इसलिए आपने इसको ब्लड एगर मीडिया का नाम दिया था। इसके अंदर आपने क्या किया है, आपने सेम मीडिया वैसा ही बनाया है, लेकिन आपने मीडिया बनाने के बाद आपने उसको हीट कर दिया है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड की बजाय चॉकलेट ब्राउन कलर का जो है वो आपके पास आ गया है। ऐसा मीडिया उसके बाद आपने क्या करना है, इस मीडिया को ये मीडिया ठंडा करना है। मीडिया जब ठंडा हो जाएगा तो ये मीडिया आपको जब आप इसको शक्ल देखेंगे तो आपको रेड नज़र नहीं आएगा, बल्कि ये चॉकलेट ब्राउन कलर का आपको नज़र आएगा। उस मीडिया के बाद आपने इसके ऊपर सेम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली इस तरह का जो मीडिया होता है इसको आप इस्तेमाल करते हैं निजेरिया बैक्टीरिया होते हैं, जो कि निजेरिया मिनिनजाइटिडस, मिनिनजाइटिडस बैक्टीरिया जो कि मिनिनजाइटस की बीमारी पैदा करते हैं, उन बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए इस तरह का मीडिया जो है वो बनाया जाता है। उसकी क्यों, इसकी रीज़न क्या है कि निजेरिया मिनिनजाइटिडस आपका एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि सर्वाइव करता है थोड़े से हाई टेम्परेचर के ऊपर, यानी जिसको प्योर ब्लड नहीं चाहिए होता, बल्कि ये कोशिश करता है कि ब्लड को विद द प्रेजेंस ऑफ हीट जो है वो इस्तेमाल करें। इसलिए इस तरह के बैक्टीरिया को अगर आप इसके अंदर ग्रो करेंगे तो ये यहाँ पे ग्रो नहीं होगा, बल्कि अगर आपको निजेरिया मिनिनजाइटिस बैक्टीरिया को हीट जो है ग्रो कराना है तो आपको पता होना चाहिए कि निजेरिया मिनिनजाइटिस बैक्टीरिया जो है वो थोड़ा सा डार्कर कलर में रहना पसंद करता है, वो थोड़ा सा डार्क एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है, वो डार्क एरियाज में रहना पसंद करता है, ठीक है जी। और इसके लिए हमने इसको डार्क एरिया प्रोवाइड किया।
अब अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी ना पढ़ी होती, आपने निजेरिया मेनिनजाइटिस बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में ना पढ़ा होता, तो आपको कभी भी ये बताना होता कि निजेरिया मेनिनजाइटिस बैक्टीरिया जो है वो कौन सी जगह पर रहना पसंद करता है, वो कौन से एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है। वो थोड़े से हीट अप एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है, वो थोड़ी सी डार्क एरियाज में, अंधेरी जगहों पर, या आप कह सकते हैं थोड़ी सी कम जहाँ पे अंधेरा होता है उन जगहों पर रहना पसंद करता है। अब रेड की निस्बत जो चॉकलेट ब्राउन कलर है वो इस बैक्टीरिया के ज़िंदगी गुजारने के लिए, इस बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा फिजिबल है। लिहाजा ये बैक्टीरिया इस वाले अगर आप इस वाले मीडिया के अंदर रखेंगे तो ये ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा, बजाय इसके कि आप इस बैक्टीरिया को इस वाले मीडिया के अंदर रखें। आप निजेरिया मेनिनजाइटिस बैक्टीरिया को इस मीडिया के अंदर रखेंगे, ये 20 से 30, 30 से 40 में तो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन 20 से 100, 100 से 200 में कन्वर्ट नहीं होगा। इसको तेज़ी से मल्टीप्लाई करने के लिए एक तो हीट चाहिए होती है, दूसरी चीज़ जो इसको चाहिए होती है वो थोड़ा सा डार्क एनवायरनमेंट चाहिए होता है। यही वजह है कि हमने रेड कलर को चॉकलेट ब्राउन कलर के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया है, क्योंकि जब आप हीट करेंगे तो सेल्स वही रहेंगे, आपके आपके सेल्स भी वही रहेंगे, आपका हीमोग्लोबिन भी वही होगा, आपके पास आयंस, सॉल्ट, हार्मोन्स, विटामिन, तमाम चीज़ें वही की वही होंगी। सिर्फ थोड़ा सा आपने उसको हीट अप करना है, बहुत ज़्यादा हीट अप भी नहीं करना कि आप उसको खून को बिल्कुल ही जो है वो ड्राई कर दें। इतना हीट करना है कि बस थोड़ा सा कलर चेंज हो, और इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या किया कि आपने ब्लड लिया, एगर लिया, उसको हीट अप किया। हीट अप करने के बाद जब वो चॉकलेट ब्राउन कलर का हुआ तो आपने निजेरिया बैक्टीरिया को इसके ऊपर हल्का हल्का सा जो है वो स्प्रिंकल किया। स्प्रिंकल करने के बाद आपने इसके ऊपर जो लिड होता है उसको आपने लगा दिया। लिड लगाने के बाद सेम आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं। पहला ऑप्शन ये कि आप इसको या तो ऑटोक्लेव कर लें 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए, या दूसरा ऑप्शन आपके पास वही है कि इसको आप 24 घंटे के लिए जो है वो छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि निजेरिया मेनिनजाइटिस जो पहले जिस टाइम आपने इसको रखा था ये 20 या 10 माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स थे, बैक्टीरिया थे, लेकिन अगले 24 घंटों के अंदर ये कन्वर्ट हो गए हैं 150 माइक्रो बैक्टीरिया, या 200 माइक्रो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए हैं, या ये 200 नए इन्होंने जो है वो निजेरिया मेनिनजाइटिस बैक्टीरिया जो है वो पैदा कर दिए हैं। तो इस तरह का मीडिया जिसको आप स्पेशलाइज्ड बनाते हैं किसी ख़ास किस्म के बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए, इस किस्म के बैक्टीरिया, इस किस्म के जो मीडियाज़ होते हैं इनको आप कहते हैं एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर आपने एक बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर न्यूट्रिएंट्स, हर चीज़ आपने बैक्टीरिया को जो है वो प्रोवाइड की है। तो ये दो मीडियाज़ हैं जो कि एनरिच्ड मीडिया के अंदर आते हैं, जो कि आपकी किताब के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं एनरिच्ड मीडिया की, लेकिन क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लिहाजा हम उसके अंदर जो है वो नहीं जाएंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ब्लड एगर मीडिया क्या होता है, चॉकलेट एगर मीडिया क्या होता है, और इनके दरमियान में क्या फ़र्क है, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसमें अगर इससे या इससे पिछले लेक्चर्स में भी अगर आपको किसी किस्म का कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।